गरीब की नागरी पालने को घेर कर नृत्य करती हैं, कीर्तन करती हैं, और छोटे से महाप्रभु जी पालने में हाथ पांव चला के कीर्तन में सहयोग करते हैं। ऐसे आज जगन्नाथ मिश्र जी का भवन कीर्तन भवन होकर विराजमान हो गया है। धीरे धीरे श्रीमन महाप्रभु जी बढ़ रहे हैं, और अब तो श्रीमन महाप्रभु जी 6 महीने के हुए हैं, और उस समय महाप्रभु जी का अन्न प्राशन संस्कार हुआ है। अपने यहां सनातन धर्म में 16 संस्कार है, और सबको सब संस्कार करने चाहिए और करवाने चाहिए। संस्कारों की उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए, संस्कारों से जीवन दिव्य बनता है। तो उसमें जब बालक 6 महीने का होता है तो एक संस्कार होता है जिसको कहते हैं अन्न प्राशन। अन्न प्राशन माने बालक को अन्न कब दिया जाए, और ये बात देखिए ग्रंथों में हजारों वर्ष पहले लिखी है कि 6 महीने से पहले बालक को अन्न नहीं देना चाहिए। 6 महीने तक उसको अपनी माता के दूध का ही पान करना चाहिए, और आज इस बात को डॉक्टर भी कहते हैं कि 6 महीने से पहले अन्न न दें बालक को। महाप्रभु जी 6 महीने के हो गए तब माता जी ने अन्न प्राशन संस्कार किया है। अब फिर समस्त ब्राह्मण वैष्णव संतों को बुलाया गया है, दिव्य रूप में उत्सव मना है। शची मैया ने सुंदर गैया के दूध की खीर बनाई है, अपने गोपाल जी को भोग लगाया है, और उस समय विविध प्रकार से श्री कृष्ण की आराधना हुई है, और तब जगन्नाथ मिश्र जी ने गोद में लेकर के श्रीमन महाप्रभु जी को वो प्रसाद दिया है। और अन्न प्राशन के समय बालक को 6 रस चखाए जाते हैं, जो 6 रस हैं, तिक्त, कषाय, मधुर, क्षार, अमल। इन 6 रसों को, कटु, तिक्त, कषाय, अमल, क्षार, मधुर, इन 6 रसों को क्रम से चटाया गया है। और अभी बिल्कुल छोटा बालक हो, जरा उसके होठों पर कोई कड़वा रस लगा दे, करेले के रस की एक बूंद लगा दे, अब देखो बच्चा कैसा बुरा मुंह बनाएगा। कड़वा किसी को नहीं पसंद, और अभी केवल 2-4 दिन का ही बालक है, उसके होठ के ऊपर एक शहद की बूंद लगा दीजिए तो देखिए चपड़ 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 चाट जाए। जबकि अभी उसको दुनिया के स्वाद नहीं पता, पर मीठा सभी को प्रिय होता है और कड़वा किसी को प्रिय नहीं होता। अच्छा, हम सबको मीठा अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि जिसके अंश हैं हम, वो बहुत मीठा है, वो बहुत मीठा है, वो प्यार का सागर है। ये जो हमारे आपके जीवन में कड़वाहट है, ये तो ऊपर से लादी हुई है। बाकी जीव का स्वरूप तो बहुत मधुर है, बहुत प्रेममय स्वरूप है, तो मीठा सबको प्रिय लगता है। लेकिन महाप्रभु जी की विशेषता, जिन ब्राह्मण ने कराया अन्न प्राशन वो भी चकित रह गए। जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा, महाराज कौन आश्चर्य की बात है? बोली, महाराज बहुत लोग, बहुत बालकों के अन्न प्राशन कराए थे, लेकिन जब मुख पे कड़वा रस लगाते थे, तीखा लगाते थे, अमल लगाते थे, क्षार लगाते थे, हर बच्चा रोता था, और मधुर पर बच्चा राजी होता था। लेकिन महाप्रभु की विशेषता ये है कि महाप्रभु ने जिस चाव से मधुर को चखा अथवा खीर प्रसाद को चखा, उसी भाव से और सब रसों को भी चखा। जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा, इसका अर्थ क्या है? तब विद्वानों ने कहा, महाराज इसका अर्थ ये है कि आपका बालक जीवन के प्रत्येक रस में सम रहेगा। कभी जीवन में कड़वे क्षण भी आएंगे, केवल मधुरी क्षण तो नहीं होते, कटु क्षण भी होते हैं, लेकिन आपका बालक सम भाव में रहेगा। कुछ उपलब्धि हो जाने पर सुख में फूल नहीं जाएगा, और कष्ट के समय में दुबला नहीं हो जाएगा, दुखी नहीं हो जाएगा। अच्छा, तब तो 6 रस चखाए, और उसके पश्चात फिर प्रवृत्ति परीक्षण हुआ। ये भी अन्न प्राशन के समय होने वाली एक विधि है।
प्रवृत्ति परीक्षण में एक सुंदर वेदी बना करके उस पर सब सामग्री रख दी गई, खड़िया रख दी, धान रख दी, मीठा रख दिया, खिलौने रख दिए, तराजू रख दी, हल रख दिया और साथ में श्रीमद् भागवत जी की पोथी भी रख दी और फिर छोटे से गौरांग को छोड़ दिया कि अब देखें जाके किस वस्तु के स्पर्श करते हैं। जिस वस्तु को छुएंगे उससे इनकी प्रवृत्ति का पता चलेगा, इसको प्रवृत्ति परीक्षण कहते हैं। और उस समय शची मैया ताली बजा बजा के आगे बढ़ाने लगी। पहले तो महाप्रभु जी बड़े नहीं और फिर धीरे 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 जो आगे को सरके और जाकर के किसी वस्तु की ओर नहीं देखा और जाकर के श्रीमद् भागवत जी की पोथी को उठाया और उठा करके अपने सिर के ऊपर विराजमान कर लिया। तब तो ब्राह्मण लोग जय जयकार करने लगे, मिश्र जी को कहा महाराज तुम्हारा बालक तो परम पंडित होगा, भागवत जी के धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला और भागवत जी के नियम पर चलने और चलाने वाला होगा। महाप्रभु जी ने भागवत जी को उठाया और फिर जो प्रसाद रखा था उसको उठा उठा करके सबको बांटने लगे, लुटाने लगे। सबने कहा परम भक्त होगा और परम दानी होगा। तब महाप्रभु जी का दिव्य रूप में अन्न प्राशन संस्कार भी संपन्न हुआ। अब तो अपनी बाल केली से अपने माता पिता को सुख प्रदान कर रहे हैं। धीरे धीरे करके अवस्था बढ़ रही है। मैया देख देख के निहाल होती है। महाप्रभु जी को गोद में लेकर के, चूंकि घर बिल्कुल गंगा जी के निकट है, गोद में लेके ऊंचा करके झरोके में से गंगा जी का दर्शन कराती हैं। गंगा जी का दर्शन करके महाप्रभु जी बहुत प्रसन्न होते हैं और भावना करती हैं शची मैया कि ऐसा समय कब आएगा जब मेरो लाला मैया मैया कहके बोलेगो और पैया पैया मेरे आंगन में डोलेगो। और तब तो धीरे धीरे करके वो समय आ गया जब श्रीमन महाप्रभु जी अलबल वाणी बोलने लगे। पर श्रीमन महाप्रभु जी ने सबसे पहला शब्द क्या कहा है, और बालक ताता पापा कुछ कुछ बोलते होंगे पर महाप्रभु जी ने सबसे पहले कहा है हरि बो हरि बो हरि बो हरि बो हरि बो हरि बो। और अभी तो वाणी तोतली है ना, हरि बोल भी नहीं कह पाते, हली बोल कहते हैं। और जब तोतली भाषा में हली हली कहते हैं सुन के मैया बहुत राजी होती है, बड़ी प्रसन्न होती है। मैया पीत झगुलिया पहना देती है, करधनी पहना देती है, कड़ूला पहना देती है, पैजनी पहना देती है, सुंदर अलकावली में मोतियों की लड़ियां लगा देती है और छोटे से महाप्रभु जी कमर पे हाथ धर के और विहार करते हैं। देख देख के मैया बड़ी प्रसन्न होती है। एक बार तो शची मैया ने सुंदर रूप में खूब महाप्रभु जी को प्रसाद पवाया और फिर सुला दिया और मैया किसी काम को करने लगी। इतने में महाप्रभु जी का दर्शन करने के लिए शेष नाग पधारे, साक्षात शेष, एक बहुत बड़ा भारी अजगर चमकीला। अब महाप्रभु जी तो देख के मचल गए, मैया को पता नहीं। धीरे धीरे चलते चलते सरकते सरकते उस सर्प के पास ही पहुंच गए और सर्प के ऊपर सोने का तो पुराना उनको विचार है। देख करके उस नाग को और महाप्रभु जी सरकते सरकते उस नाग के ऊपर ही लेट गए आनंद से। अब इधर मैया को बहुत देर से आवाज नहीं आई। अब घर में छोटा बालक हो, सो रहा तो ठीक है, और जाग रहा हो उसकी आवाज आनी बंद हो जाए तो माता पिता सचेत हो जाते हैं, कहीं गहरी लीला कर रहा होगा कोई। तब मैया ने देखा मेरा निमाई इतना तो सीधा नहीं कि चुपचाप बैठा हो, जाके देखूं। और जो देखे महाप्रभु जी तो महासर्प पे शयन कर रहे। अरे मैया के आधे प्राण तो ऊपर आधे प्राण नीचे, कुछ कह नहीं पाई
और तब तो देखा कि मैया तो घबरा रही, पसीनो पसीन हो रही। नारायणी देवी आ गई, सर्व जया देवी आ गई, मालिनी देवी आ गई, कोई गरुण मंत्र पढ़ रही, कोई गंगा जल का छींटा दे रही। तब महाप्रभु जी ने सर्पराज को कहा कि अब जाओ, हम मैया घबरा रही है, फिर अवसर देख के आना। और महाप्रभु जी ने जब उसको थपथपाया तो वो सर्प धीरे धीरे महाप्रभु को उतार के चला गया। और उस समय तो मैया बहुत घबराई, पूतना स्त्रोत का, भीष्म स्त्रोत का पाठ करने लगी। और उस समय दिव्य रूप में महाप्रभु जी को फिर सुंदर श्रृंगार करके गैया के पूंछ घुमा, नजर उतार के आंगन में विराजमान किया। और नवद्वीप की नागरी आके महाप्रभु जी को घेर लेती है। और महाप्रभु जी का खेल भी कोई और दूसरा नहीं है, पर श्रीमन महाप्रभु जी नवद्वीप नागरी घेर लेती है और कीर्तन सुनाती है महाप्रभु जी को। और उस समय महाप्रभु जी अपनी कमर पर हाथ धर के उन नवद्वीप की नागरियों के बीच में नाचते हैं। और उस समय नवद्वीप की नागरी गाती हैं कि हमारे मन भाए गयोरी, शची मैया को छैया। 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 शची मैया को छैया भाए गयो, शची मैया को छैया। शची मैया को छैया भाए गयो, शची मैया को छैया। शची मैया को छैया भाए गयो, शची मैया को छैया भाए गयो। शची मैया को छैया हमारे मन भाए गयो रे, शची मैया। केसर तिलक भाल पर सो है, केसर तिलक भाल पर सो है, केसर तिलक भाल पर सो है, केसर तिलक भाल पर सो है। घुंघराली अल कैया, गौर की घुंघराली अल कैया, गौर की घुंघराली अल कैया। नासा मणि अति सुंदर सो है, नासा मणि अति सुंदर सो है, अति सुंदर सो है, नासा मणि अति सुंदर सो है। तोतरे बोल बुलैया हमारे मन भाए गयो रे, शची मैया को छैया। हमारे मन भाए गयो रे, शची मैया को आंगन नाचे, शची मैया के आंगन नाचे, शची मैया के
के आंगन नाचे, सखी मैया के आंगन नाचे। ले ले कर फिर कैया गौर मेरो, ले के फिर कैया गौर मेरो, ले ले कर फिर कैया गौर मेरो, ले कर फिर कैया। हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल, हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल, हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल। ऊंची भुजा उठैया हमारे मन भाई गयो रे, सची मैया को छैया हमारे मन भाई गयो रे, सची मैया को छैया हमारे मन भाए गयो रे, सची मैया को छैया हमारे मन भाए गयो रे, सची मैया को छैया। सूरज शरण तिहारी आई, सूरज शरण तिहारी आई, सूरज शरण तिहारी आई, सूरज शरण तिहारी आई। बिगहि करो सहैया, बिगहि करो सहैया, काहे देर लगैया हमारे मन आए गयो रे, सची मैया को छैया हमारे मन आए गयो रे, सची मैया को छैया हमारे मन आए गयो रे, सची मैया को छैया हमारे मन भाए गयो रे, सची मैया को छैया। आनंद हो गया महाराज, नवद्वीप की नागरी महाप्रभु जी को घेर कर नाचती हैं, और श्रीमन महाप्रभु जी अपनी दोनों भुजा उठा करके हरी हरी बोल हरी हरी बोल, हरी हरी बोल हरी हरी बोल, ए हरी हरी बोल हरी हरी बोल, हरी हरी बोल हरी हरी बोल, हरी हरी बोल हरी हरी बोल, हरी 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 हरि बोल। पीत झगुलिया झलमल झलकत, पीत झगुलिया झलमल झलकत, केश घने घुंघरारे, केश घने घुंघरारे, ठुमक ठुमक कर नाचत गोरा, 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 हरी हरि बोल उचारे, हरी हरी बोल उचारे,
हमारे गौर हरि भक्त जनों के प्यारे। जानिन के हरि प्रगट भये हैं आनंद होत महारे। आनंद होत महारे। जा दिन जे हरि प्रगट भये हैं आनंद होत महारे। जा दिन जे हरि प्रगट भये हैं आनंद होत महारे। जगन्नाथ के आंगन खेलत रूप अनुपम धारे। रूप अनुपम धारे गौर हरि भक्त जनों के प्यारे। गौर हरि भक्त जनों के प्यारे। आनंद हो गया। पहले मैया कहती थी लाला पैया पैया कब डोलेगो, मैया मैया कब बोलेगो, और अब महाप्रभु जी घर में टिकते ही नहीं। अब तो मैया कहती है कौन सी डोरी लाऊं जिसमें बांध के लाला को घर में रखूं। जो साकर खुली दिखती है सोई महाप्रभु जी गंगा तट पे भागते हैं, और गंगा तट पे करते क्या है। बोले सखन संग खेलत गंगा तट। सखन संग खेलत गंगा तट। हरि हरि बोल सुनारे। हरि हरि बोल सुनारे। करि उपदेश भक्ति मार्ग को। भागते हैं महाराज सखाओं के पास, छोटे छोटे बालक एकत्र, और गंगा जी स्नान, और गंगा जी के घाट पर बस हरि नाम संकीर्तन और कोई काम नहीं। और फिर बालकों को भक्ति मार्ग का उपदेश देते हैं। छोटे छोटे बालक कहते हैं निमाई कौन खेल खेलोगे। महाप्रभु कहते भैया खेलने के लायक एक ही खेल है। क्या? बोले मैं बीच में भुजा उठा करके हरी बोल कह के नाचूंगा, अब पीछे पीछे तुम भी ताली बजा कर गाना और नाचना, बस यही खेल खेलेंगे। सखा लोग कहते हैं निमाई जब तुम खेलते हो यही खेल खेलते हो, कोई और खेल भी खेलो। तब महाप्रभु जी कहते हैं भैया और खेल खेलते खेलते जाने कितने जीवन समाप्त हो गए। अब यथार्थ खेल यह कीर्तन वाले ही खेल है, हम यही खेलेंगे और यही खिलाएंगे। कुछ बालक कहते हैं हमने तो सुना था कि ये कीर्तन भजन ये सब वृद्धावस्था का काम है, वृद्धावस्था में करना चाहिए। महाप्रभु जी कहते हैं भैया पता थोड़ी है कि वृद्धावस्था आवेगी भी कि नहीं आवेगी। ये क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलियाचल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल पुछार लिए फिरता,
तन नम्र है चोट झिली न झिली, रट ले हरि नाम हरी रसना, फिर अंत समय में हिली नहीं। तो भैया कोई पक्का तो नहीं वृद्धावस्था आएगी? तब जैसे प्रहलाद जी अपने सखाओं को उपदेश करते, ऐसे महाप्रभु उपदेश करते हैं। देखो भैया, भागवत जी में कहा है प्रहलाद जी ने कि कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि ह, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्या ध्रुवमर्थदम। हे भैया, इस शरीर में गुण तो बहुत हैं, इस मनुष्य शरीर की बहुत महिमा गाई गई है, पर दो बड़ी भारी कमियां भी हैं इसमें। क्या? कि एक तो ये शरीर क्षण भंगुर है, नष्ट हो जाने वाला है, और दूसरा ये शरीर अनिश्चित काल के लिए मिला है। यदि जन्म के साथ एक सर्टिफिकेट मिल जाता कि 75 साल तो जिएंगे, तो 70 साल संसार को भोग लेते, मटर गस्ती कर लेते, आखिर के 2-4-5 साल भजन करके पार हो जाते, पर ये देह क्षणभंगुर है पर अनिश्चित काल के लिए मिला है। तो समझदार व्यक्ति वही है जो कौमार आचरित प्राज्ञ, कुमार अवस्था से ही भगवत भजन में लग जाए, क्योंकि जिसका सारे जीवन अभ्यास किया होगा वही कार्य अंतिम समय में होगा। कोई सोचे कि बिल्कुल वृद्धावस्था में ही भजन करना प्रारंभ करूंगा तो कठिन है जो अभ्यास हो जाए। सारे जीवन जिस चीज का अभ्यास किया होगा, बार बार वही बातें चित्त को ज्यादा प्रभावित करेंगी, और वृद्धावस्था में तो इंद्रियां कमजोर हो जाएंगी, लेकिन ये मन बहुत बलवान हो जाएगा।